गाइड करे नहीं। हेलो नमस्ते, स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किला घूमने, तो चलिए हम आज का व्लॉग शुरू करते। और ये हमारे पीछे है गाड़ी, और आज हमारे साथ है नाम ही भूल गया, सुनील। सुनील जी हमारे साथ है, सुनील गुज्जर। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले पे, और ये हमने पहला पोल पार किया है वहाँ से, और अभी हम दूसरा पोल पार कर रहे हैं। तो अभी हम आगे चल के और बताते हैं। अभी हम जो ये है दीवार है, दीवार की साइड ठहरे हैं। तो चलिए आगे और भी आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे हमने अभी टिकट लिए हैं, जो कि एक आदमी का टिकट है 40 रुपये कुछ तो है, और हम दो जने तो दो टिकट लिए हैं। और जो फॉरेनर है, जो कि बाहर विदेशी लोग आते हैं, उनके लिए 600 रुपये पर पर्सन का कुछ तो टिकट है। तो चलिए, ये इधर है किला, और मेरे पीछे ठीक पीछे है चित्तौड़गढ़ शहर पूरा नज़र आ रहा होगा। तो सुनील जी गाइड करे नहीं। दोस्तों ठीक हमारे पीछे कुंभा महल है, तो चलिए कुंभा महल देखते हैं। क्या है ना, वहां से आए थे और हमने वहां छोड़ी है हमारी गाड़ी। तो चलिए, तो भैया अभी हम आए हैं कुंभा महल घूम के, जो कि जस्ट हमारे पीछे है। तो अभी हम चलते हैं अगले लोकेशन पे, चलिए चलते हैं। तो भैया अभी हम आए हैं, ये महल है पीछे हमारा, पैलेस बोलते इसको, और इसके अंदर सभी जो पुराने हथियार औजार जो भी है सब यहाँ पे संग्रह किए वाले हैं। तो यहाँ पे टिकट घर है, टिकट लेंगे और फिर चलेंगे अंदर। तो चलिए टिकट लेते हैं। चुके हैं और अभी हम आपको बहुत सी नई चीजें दिखाएंगे, जो कि पुराने जमाने के हथियार वगैरह है। तो चलिए शुरू किया, दिखाते हैं।
ये सब आपको देख के कैसा लगा? इसके अंदर कुछ नई, इस वीडियो में कुछ नया पर है सभी पुराना, देख के आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने देखे हैं मेरा मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर, अभी हम चल रहे हैं आगे। यहाँ पे आने से पहले आपको या तो कार लेके आना पड़ेगा या मोटरसाइकिल लेके आना पड़ेगा या कुछ निजी वाहन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे आपको ट्रैवल करके ही पूरा दर्शन करने का ही मजा आएगा, नहीं तो आप पैदल चल चल के थक जाओगे। तो कभी भी आए या तो गाड़ी लेके आए या फोर व्हीलर लेके आए, जो भी आपके पास साधन है वो लेके आए। यहाँ पे जगह जगह पे पार्किंग एरिया है और अभी हम आए हैं विजय स्तंभ के पास, तो अभी हम आपको विजय स्तंभ दिखाएंगे, पहले हम गाड़ी को पार्किंग करेंगे। चलिए अभी हम आपको विजय स्तंभ दिखाते हैं। ठीक, हमारे यहाँ पे है विजय स्तंभ। जो कि आप अभी तो आज तो फिलहाल एंट्री बंद है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, अभी आगे का और बहुत सारी जगह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पूरा पानी, जो ज्यादा पानी हो रहा है तो वहां से एक छोटा सा बना हुआ होल है, वहाँ से अंदर नीचे जा रहा है। और तो अभी हम आपको एक पूरा व्यू दिखाते हैं। उतना दिखाने की कोशिश की, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे से छूट गई है। तो यहाँ आके आप आराम से, अगर आपके पास टाइम है बहुत सारा, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एजो कर सकते हैं। यहाँ पे दो तीन मंदिर भी है और वहाँ पे जोर कुंड वगैरह है और ये विजय स्तंभ। चलिए आगे चलते हैं, आगे का दर्शन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई क्या क्या देखे अभी तक आपने? कोमा में क्या भैया? अभी हम देख चुके हैं और अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ये बोल रहा है सिर्फ तुम्हारा वीडियो आने दो, इसको शर्म आ रही वीडियो में। नाथ तो लाना क्या। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कालिका माता जी का मंदिर और ये हमारे ठीक पीछे कालिका माता जी का मंदिर है। तो चलिए अभी हम वहाँ पे दर्शन करने चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे फोटो लेना मना है, वहाँ पे लिखा हुआ है, और अंदर फोटो ले भी नहीं सकते। चलिए हम दर्शन करके आपको बाहर वापस मिलते हैं। तो भैया अभी हम माताजी का दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं पद्मावती महल, जो कि हमारे ठीक यहाँ पे दिख रहा होगा पद्मावती महल। चलिए हम अंदर जाएंगे, कुछ आपको अच्छा दिखने के दिखाएंगे कुछ तो कुछ। हेलो गाइस, तो अभी हमने आपको दिखाया पद्मावती महल और अब हम जा रहे हैं फाइनल जगह पे, यहाँ पे पीछे युद्ध हुआ था वो जगह भी देखनी बाकी है और विजय स्तंभ की जैसा एक और स्तंभ बनाने वाला है, वहाँ पे हम एंड करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए अभी हम आपको कुछ जंगल वगैरह, यहाँ बाजू बाजू में जो जंगल बना है उसका दर्शन कराएंगे।
मुर्गवन बंद दिनांक 26/8/2016 से ये वर्ण बंद है। और इसको क्यों बंद किया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वन है जो कि बंद है। तो चलिए आगे चलते हैं। कैसा लगा हमारा चित्तौड़गढ़ का किला? और यहाँ हम सुबह आए थे करीबन 10 से 11 बजे के पास और अभी 5 बज रहे हैं। तो यहाँ अगर आपको घूमने के लिए आना है तो कम से कम एक दिन का ट्रिप यहाँ पे बनता है और पूरी तैयारी के साथ आना। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय। मजा आया नहीं? नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं।